नागरिक सुरक्षा कोतवाली प्रखंड के डिविजनल वार्डन विकास चलान के नेतृत्व में रविवार को नाइट कर्फ्यू के दौरान बख्शीपुर, दीवान बाजार, चरलाल चौक, आर्यनगर व थवई पुल सहित अन्य क्षेत्रों में कोरोना के प्रति जन जागरूकता अभियान चलाया गया और आम जन को महामारी के प्रति सचेत करते हुए पीए सिस्टम से बताया गया कि महामारी अभी समाप्त नहीं हुई है। खुद की चिंता नहीं तो परिवार के विषय के बारे में सोचिए। बिना मास्क घर से बाहर ना निकले, मास्क का प्रयोग करें, बार बार अपने हाथों को धोते रहें, अपना नंबर आने पर टीकाकरण अवश्य कराएं, खांसी बुखार आदि लक्षण दिखने पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर निःशुल्क जाँच कराएं। इस अवसर पर राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त पुष्पदंत जैन, डिविजनल वार्डन विकास चलान, डिप्टी डिविजनल वार्डन मुर्तुजा आलम, आईसीओ कुमार आदर्श आनंद, पोस्ट वार्डन तौफिक इस्लाम, राजेंद्र प्रसाद, डिप्टी पोस्ट वार्डन फहीमुद्दीन खान, पंकज गौड़, इरशाद अहमद सहित अन्य वार्डन मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कोतवाली प्रखंड के डिविजनल वार्डन विकास चलान ने कहा, मास्क का प्रयोग करें, जब भी घर से निकले मास्क लगा के ही निकले, वैक्सीनेशन कराएं। नागरिक सुरक्षा कोतवाली प्रखंड के तत्वाधान में जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। हम लोग डेली किसी न किसी क्षेत्र में जाकर लोगों के बीच जन जागरूकता अभियान चलाते हैं, उन्हें मास्क लगाने के लिए प्रेरित करते हैं और साथ ही नज़दीकी टीकाकरण केंद्र पर जाकर अपना नंबर आने पर टीकाकरण लगवाने के लिए प्रेरित किया जाता है। यह कार्यक्रम अनवरत एक माह से चल रहा है। आज हम लोग के जागरूकता कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री श्री पुष्पदन जैन जी का भी सानिध्य मिला। उन्होंने हम लोगों को सुझाव दिया कि जो लोग टीकाकरण केंद्र पर नहीं पहुंच पा रहे हैं या उनको रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आ रही है, उनको भी आप लोग सहयोग कीजिए। हम लोगों ने उनका सुझाव माना है और उसके लिए एक टीम जल्दी ही गठित की जाएगी कि जो लोग टीकाकरण केंद्र पर जाकर टीकाकरण करवाने में असमर्थ हो पा रहे हैं या रजिस्ट्रेशन करवाने में असमर्थ हो पा रहे हैं, उनको हम लोग रजिस्ट्रेशन करवाने में सहायता करेंगे, जिससे अधिक से अधिक लोग टीकाकरण कराएँ और इस महामारी से बचें।